हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से जीएस प्लस में पॉलिटी हम भाग चार तक पढ़ चुके हैं। आज हमें भाग चार ए यानी जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको पढ़ना है, यानी मौलिक कर्तव्य। क्योंकि प्रश्न जो है, आप लोक सेवा आयोग का कोई प्रश्न पत्र उठाइए, जो 20 से 22 का दायरा होता है प्रश्नों का, उनमें से आपको अधिकांश यह मिल जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों से सवाल होते हैं। मौलिक कर्तव्य से ऐसे सीधा नहीं पूछता है, इसमें पेचीले बसते हैं, क्योंकि इनकी संख्या 11 है और ये संविधान के मूल भाग नहीं थे। बाद में इनको एक संशोधन के जरिए शामिल किया गया, क्योंकि जब भी कभी यह बात उठती है, जब हमारे राइट्स की बात होती है, हमारे अधिकारों की बात होती है, तो हमेशा एक चीज यह ध्यान रखिएगा, जो महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि कभी भी हमारे अधिकार हमारे दायित्व से बढ़कर नहीं हो सकते। आप अपने परिवार में हैं, वहां पर आपके जितने अधिकार हैं, आप परिवार के बड़े बेटे हैं, आप मुखिया के तौर पर हैं, आप कोई डिसीजन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कभी भी अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो परिवार में हर सदस्य का जो ख्याल रखना होता है वो आपकी जिम्मेदारी होती है, वो आपका दायित्व होता है। तो कभी भी आपके अधिकार, हमारे जो अधिकार हैं, वो हमारे दायित्व से बढ़कर नहीं हो सकते। यानी अधिकारों में सबसे ज्यादा दायित्व होते हैं। अगर आपको कोई राइट है, ठीक है, कोई अधिकार दिया गया, आपको मौलिक अधिकार मिला है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ अधिकार को रखना जानोगे। जो दायित्व हैं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अन्य चीजों के प्रति, उन सभी को आप भूल जाओगे। इसीलिए, चूंकि व्यक्ति पर शासन, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता, समाज से एक राष्ट्र का निर्माण होता, तो जब राष्ट्र में वहां के जो व्यक्ति रह रहे, जो वहां के नागरिक हैं, उनमें आपस में समाज में सौहार्द को देखते हुए, राष्ट्र की गरिमा को बनाते हुए, समाज में अन्य जो कारक हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं एक सही आयाम के दृष्टिगत लोगों के दायित्व को यह समझा गया कि लोग स्वयं से अपने दायित्व को नहीं पहचान रहे, इसलिए बाद में जरूरत पड़ी और एक संविधान संशोधन के माध्यम से लोगों को उनके दायित्व को भी बताया गया। इन्हीं दायित्व को संविधान के भाग चार में ए के अंतर्गत, भाग चार ए के अंतर्गत जोड़ा गया है, ठीक है। भाग चार में संशोधन के बाद उसको चार ए करके जोड़ दिया गया। उन्हीं में सबसे पहले तो आपके 10 जोड़े गए मौलिक जो है कर्तव्य, लेकिन बाद में एक फिर से संविधान संशोधन किया गया और एक मौलिक कर्तव्य आपका और जोड़ दिया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या भारतीय संविधान में 11 होती है। अगर इनका ओरिजिन देखा जाए, कहां से किस देश को हमने देखकर अपने भारतीय संविधान में इनको शामिल किया, तो कर्तव्यों को बताने वाला जो देश है वह आपका रसिया का संविधान था, जहां पर वहां के नागरिकों को उनके अधिकार तो दिए गए, साथ ही साथ दायित्व को भी बताया गया था। तो भारतीय संविधान के बनाने वालों के विचार में यह चीजें तो नहीं आई, लेकिन बाद में जब ऐसा समझा गया कि लोग यहां कहने से नहीं मानते हैं, ठीक है, आप जानते हो हिंदुस्तान ही वह देश है जहां पर, ठीक है, पेड़ काटने से रोकने के लिए पेड़ को काटकर कागज बनाया जाता है, उन कागज पर लिखा जाता है पेड़ काटना मना है, समझे। यहां हिंदुस्तान जैसे देश में उन्हीं पेड़ों को काटकर उनसे कागज का निर्माण होता है, उन्हीं कागज पर छपाई करके भेजते हैं पेड़ों को काटना मना है। अब आप समझ सकते हो यहां कितनी बड़ी दुविधा है। जहां लिखा होगा यहां पर जो है गंदगी ना फैलाए, वहीं पर कूड़े का ढेर जमा होगा। ये हिंदुस्तान में हम लोगों की एक तरीके से मतलब दृष्टिगत आयाम बन चुका है, आम जनमानस की यह भावना है। हम राष्ट्र की वैल्यू को कुछ कदर ही नहीं देते, ठीक है। कोई भी मामला होता है तो उसमें सबसे पहले हम राज्य में बंट जाते हैं, राज्य का मामला आया तो हम जिले में बंट जाते हैं, जिले का मामला आया तो हम जो है गांव में बंट जाते हैं, गांव का मामला आया तो हम समुदाय में बंट जाते हैं। नहीं, हम फला समुदाय से, हम ऊंची जाति से, हम नीची जाति से। तो ये भारतीयों में बहुत बड़ी कमी है। इन्हीं सबको देखते हुए बाद में जब समझ में आया कि भैया कुछ तो इनको बता दो, कुछ लाज शर्म इनको आ जाए देशवासियों को, इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों से आपसे सवाल पूछता है तो उन्हीं पर व्यापक चर्चा। हालांकि इसमें एक आध केस भी ऐसे रहे जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग पूछा है और आपको जानना भी चाहिए उन सारी चीजों को। आप सारे लोग जानते हो कि ये सारे जो कोर्सेज हैं,
ठीक है, अभी जैसे शाम को 6 PM की जो आपकी वीडियो जा रही है, जो आप इस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे द्वारा यह आपकी जीएस प्लस नाम से सीरीज हम लोग चलाते हैं, ठीक, जो 6 PM पर आपकी ये जीएस प्लस नाम से है। यानी जीएस प्लस देने का उद्देश्य यह है कि जो लोग यूपीपीसीएस अपर को फोकस कर रहे हैं, आर ओ ए आर ओ को फोकस कर रहे हैं, आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षाओं को देख रहे हैं, इन सभी में जीएस का स्तर काफी अच्छा होता है। बीओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वैसे आजकल भैया छोटी परीक्षा है चाहे बड़ी, अब जीएस में अंतर नहीं कर पाओगे। लोक सेवा आयोग में बस यही है कि प्रश्नों को थोड़ा बड़ा कर देता है, भाषा को बढ़ा देता है, जबकि आपके छोटे जो परीक्षाएं हैं वहां पर भी अब प्रश्नों के जो पूछने की प्रकृति है वो अब बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है, आपसे बहुत सामान्य से प्रश्न अब नहीं पूछे जाते, किन्हीं किन्हीं में आप देखेंगे, ठीक है, कि वहां प्रश्नों को पूछने का जो तरीका होता है वह बहुत अच्छा होता है, एक मानक का पेपर पूछा जाता है। इस वजह से डिटेल में जो क्लासेज आपकी शाम 6 बजे होती है इनको बहुत ढंग से पढ़ो, ठीक है। हिस्ट्री पाठक सर पढ़ा रहे, आशीष सर, और पॉलिटी मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद इन दोनों को समाप्त करने के बाद आगे और भी कक्षाएं हम प्रारंभ करेंगे जीएस की सीरीज के, पूरा डिटेल बता रहे भैया, इससे बाहर आपको ना तो किताबों में मिलेगा, ठीक है, जितना कुछ संभव है हम सब कुछ बता देते हैं आदि से लेकर अंत तक। 2-3 किताबें जब आप पढ़ोगे तब आपका ये नोट्स तैयार, तो हमसे पढ़ लीजिए, सारी चीजें बेहतर तैयार कर लो। 10+ कोर्सेस के अंतर्गत इसीलिए ये सब कुछ निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं देना है, सारे वीडियोज निःशुल्क है। जो लोग भैया लोक सेवा आयोग की प्रिपरेशन कर रहे हो, किताबें ढूंढ रहे हो, नोट्स ढूंढ रहे हो, वो उसके लिए यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स हमारा खरीद लीजिए, सारे नोट्स दे रहे हैं, बहुत दमदार नोट्स है, पढ़ लो, उससे हो जाएगा आराम से, कहीं नहीं सोचना होगा। ठीक, आप हर जगह पूछते हो सर कौन सी किताब है, भैया कई किताबों का निचोड़ है, खरीद लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है, उससे पढ़ाई कर लोगे तो हर एक चीजों में फायदा देगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, हर एक क्लास जैसे सुबह से रात तक जितनी क्लासेस होती है सभी की पीडीएफ चाहिए, 3 महीने का प्लान है भैया, इसको लेके सब्सक्राइब कर लो, 199 रुपए में 3 महीना, मतलब कुछ सोचना भी नहीं है, 150 रुपए महीने क्या बात होती है। ठीक, इसमें आपको पूरा जो है हर एक पीडीएफ, हम आपको हर एक क्लास की पीडीएफ दे देंगे, अच्छी पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में होगी। ठीक, तो और कुछ जानना चाह रहे हो, और कुछ सोचना चाह रहे हो, तो इन दिए गए नंबर्स पर कॉल कर लो। यूपीएफओ की हमने सीरीज चलाई है, जो लोग देना चाह रहे हैं वो लोग ज्वाइन कर लो, आपके मित्र देना चाह रहे हैं उनको बुलाइए, बताइए, पूरा हम लोग मटेरियल दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। ठीक है, अभी जेल वार्डन की परीक्षाएं आ चुकी हैं, तो जेल वार्डन के लिए भी क्लासेज जा रही हैं, लेखपाल के लिए तो शुरू ही है, तो सारे लोग मेहनत से पढ़ो। अभी लोग आज देखो UP SSC ने फिर से एक नई आंसर की जारी की है जूनियर असिस्टेंट का, जिनका है वो टाइपिंग शुरू करो। ठीक, तो चलिए इसमें बढ़ते हैं भैया, आज फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग देख लेते हैं। नाम क्या है इसका? इसका नाम है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब जो हम बोलते हैं हिंदी में, इनको बोलते हैं मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, जो आप बोलना चाहो, मूल आपके कर्तव्य इनको हम बोलते हैं। इन्हीं चीजों को समझना है, फंडामेंटल ड्यूटीज को समझना है, और दूसरी बात मौलिक कर्तव्य भी बोले जाते हैं, मैंने जो बताया। ठीक, ये किसमें है? ये भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल किए गए हैं। ठीक, भाग 4 में तो आपका निदेशक तत्व है, लेकिन संशोधन के माध्यम से उसी में जोड़ा गया, तो भाग 4 में ये है। इनकी वर्तमान संख्या कितनी है? इनकी वर्तमान संख्या आपकी कितनी है बताइए, वर्तमान संख्या, मौलिक जो आपके कर्तव्य है इनकी वर्तमान संख्या भैया 11 है। पहले कितनी थी? पहले 10 थी, बाद में जो है 6वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 86 नंबर का आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा, उसके द्वारा एक आपका जो है और जोड़ दिया गया। ठीक, तो इनकी संख्या 11 हो गई। पूछता है ये मूल जो है संविधान में था कि नहीं, तो यह मूल संविधान का अंग नहीं था, सबसे पहले यह ध्यान रखना है, यह मूल संविधान का अंग नहीं था, मतलब मूल संविधान में यह शामिल नहीं किया गया था, इस चीज को जान लो। अगली चीज, कहां से लिया गया है? यह रूस यानी रसिया का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया है। ठीक है, रसिया से लिया गया है, वहां के देश, वहां के संविधान में हमने दिया था कि भैया वहां नागरिकों के अधिकार के साथ उनके दायित्व बताए गए, तो भारतीय संविधान में भी इनको शामिल कर लिया गया। इसके अलावा ठीक अन्य जो चीजें पूछता है इसमें, रूस हो गया, वर्तमान संख्या हो गई, ठीक, भाग हो गया, इसमें वर्तमान संख्या 11, पहले 10 थी, एक बाद में जुड़ा 86 नंबर से,
एक अगला पूछता है, जब ये मौलिक कर्तव्य जो है आपके मूल संविधान में शामिल नहीं थे तो आखिर सरकार को ऐसा कब महसूस हो गया कि नहीं मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, सरकार ऐसे तो किसी चीज को शामिल नहीं कर लेगी। तो इसके लिए एक समिति बनी थी, वह समिति के बारे में बहुत बार सवाल पूछा है और बहुत बार पूछेगा भी, ठीक है। इसके लिए एक समिति बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, या जिसको आप सिर्फ स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जानते हैं। इस समिति की अनुशंसा पर जो है भारतीय संविधान में किसको शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। यह सवाल बहुत बार पूछता है, हर परीक्षाओं में पूछता है। तो ये तो आपकी छोटी छोटी चीजें हो गई, अब हम बढ़ते हैं बड़ी चीजों की ओर, जहां पर और विधिवत से इनको जानते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक। ये चूंकि हाँ अनुच्छेद मैंने नहीं बताया, तो अनुच्छेद अगर इसमें देखा जाए तो अनुच्छेद चूंकि आपको 36 से 51 नीति निदेशक तत्व तो भाग 4 पढ़ाया था मैंने, और ये 4A में जुड़ा, तो इसको जो आर्टिकल है किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, 51A के अंतर्गत रखा गया है। 36 से 51 भाग 4 है, ठीक। तो 51A में इन सारे मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। तो ये पांच जो मैंने प्रश्न बताए ये साधारण से प्रश्न है जो आपको हर परीक्षा में दिख जाएंगे। अब इससे बेहतर प्रश्न कैसे बनते हैं उन पर परिचर्चा कर लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। कलर थोड़ा सा मैं बदल लूं जो इन पर दिखे ब्लैक पर। देखिए मूलतः संविधान का अंगीकृत भाग आपका ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, मैंने बताया शामिल नहीं थे। 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्य के विषय पर सरदार सिंह स्वर्ण सिंह समिति, नाम याद रखना मत भूलना भैया बहुत बार आया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर या इनका गठन किया गया, इस समिति का गठन हुआ। इस समिति ने रिकमेंडेशन दी, सिफारिश की, क्या उन सिफारिशों में यह कहा कि मूल कर्तव्य का अलग अध्याय होना चाहिए, इसको भारतीय संविधान में एक अलग चैप्टर के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने बताया। अब जब ऐसा इसने बताया तो नागरिकों को, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। हम आप अगर भारत देश के नागरिक हैं तो हमारे जो अधिकार मिले हैं उनके साथ ही साथ हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए कि देश के प्रति हमारी ऐसी ड्यूटी है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं होता है, तब तो हम प्रदेश में बढ़ जाते हैं जहां देश की बातें आती हैं। अगली चीजें क्या है, सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वां संविधान संशोधन, बहुत बार पूछा है कि मौलिक अधिकारों मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो वह आपका 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा, 42वां संविधान संशोधन रहा, जिसके द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग, ठीक, जो भाग 4A को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A था, ऐसा बोल सकते हैं 51A था, केवल एक अनुच्छेद था जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया था। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है यह पूर्व रूसी जो आपका संविधान था इससे प्रभावित होकर लिया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपकी 11 है, समझ गए। अब मौलिक कर्तव्यों की सूची क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है कि भैया प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थित अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य यानी गार्जियन को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर जो है प्रदान करें। जो 6 से 14 वर्ष है इसको देखो नीति निदेशक तत्वों में भी बताया गया राज्य को, ठीक, यहां पर भी बताया गया, इसमें भी शामिल किया गया कि आपके भैया कर्तव्य, अगर आप मां बाप हो, अगर आप किसी बच्चे के गार्जियन हो, प्रतिपाल्य बने हो, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, तब भी आपको अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। यह कर्तव्य 6वें संविधान संशोधन बहुत बार पूछा है,
अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, वह आपका 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा जो 2002 में शामिल किया गया। बहुत बार आया है, आएगा भी, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखो। अगला क्या है इसमें, अगला जो दूसरा इसमें है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, यह हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा क्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी इसको कहीं भी टूटने ना दे। अगला है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। हर एक नागरिक को लगातार अपने विकास के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि अधिकारों में मैंने आपको बताया था कि अधिकार आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपना विकास कर सको, ठीक है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करिए, ठीक है। जब भी राष्ट्र को जरूरत हो, मान लीजिए कोई युद्ध है, कोई विपदा है, जैसे इस समय पड़ रही है, तो इन सभी में जब आपसे सरकार आह्वान करे कि देश के युवाओं इस समय आपकी जरूरत है, तो वहां बढ़ चढ़कर हर देश के नागरिक को हिस्सा लेना चाहिए, ठीक। आगे अगर इसमें बात करते हैं, हमारी सामाजिक संस्कृत की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, सामाजिक संस्कृत, और उसका परिरक्षण करें, यानी जो हमारी संस्कृति है इसका परिरक्षण का दायित्व भी हमी नागरिकों का है। आगे, प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनका रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ऐसा आपके मौलिक कर्तव्य में ही बताया गया है आपको। भारत के सभी लोगों में समरसता, ठीक, हर एक व्यक्ति में समरसता का भाव हो, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, यह प्रस्तावना में भी आपको देखने को मिले थे, सब यहां पर भी मिल रहे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव पर से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों की भावनाओं के विरुद्ध हों, ठीक है। इन प्रथाओं को हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में हम रह रहे वहां यत्र नारस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी भी चीजें चलती हैं, तो उनको भी हमें ध्यान रखना है। सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सभी में ऐसा बोला गया लेकिन लोग नहीं करते, ठीक। उन्हें लगता है कि अगर मैं अपने दृष्टिकोण को बहुत बढ़ा लिया तो फिर देश के लिए क्या हो जाएगा, कहीं फायदा ना हो जाए। भैया आप नए आविष्कार करो, उससे क्या होगा, आपका विकास होगा तो समाज का विकास होगा, आपके समाज का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। इन नियत को एकदम साफ रखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ठीक। आपको यह अधिकार नहीं कि आप विरोध करने लगे सरकार के खिलाफ तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना शुरू कर दें, दंगे शुरू कर दें, तोड़फोड़ शुरू कर दें, यह कहीं से भी आपको अधिकार नहीं है। अगली चीज, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान का आदर करें, यह हमारे मौलिक कर्तव्य है। 11, जिनके बारे में बताया गया, दो चीजों को याद रखना, 11वां कब जोड़ा गया और बाकी जो 10 है इनको कब जोड़ा गया, क्योंकि दोनों के संविधान संशोधन से सवाल पूछा है। भैया इनके फीचर्स क्या है, हमने बता तो इतना दिया आपको, इनकी विशेषताएं क्या है भैया, मौलिक कर्तव्य क्या आ गया, कहा गया राष्ट्रगान का आदर करो, आपको बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर दिखाया जाता कि राष्ट्रगान शुरू होता है व्यक्ति, ठीक है, सावधान खड़े नहीं हो सकते, खड़े होने की बात छोड़िए वो बैठे रह जाते हैं, ठीक है। अभी क्या चीजें आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको क्या करना है, जब कोई भी आपका सिनेमा हॉल होगा, कोई भी पिक्चर शुरू होने से पहले राष्ट्रगान प्रारंभ होगा। इस पर बहुत सारी याचिकाएं एक तरफ से पड़ गई, ये हमारी भावना के खिलाफ है, मतलब मौलिक कर्तव्य आप स्वयं से पालन नहीं करना चाह रहे हो, आप राष्ट्रगान को क्या कह रहे हो हमारी इच्छा पर डिपेंड है, ऐसे लोग हैं, मतलब ऐसे लोग देश के खिलाफ चले जाते कि ये गवर्नमेंट राजनीति कर रही है, शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को, भाई आप राष्ट्र के खिलाफ ऐसी चीजें सोचते हो कि ये
सरकार राजनीति कर रही, हमसे राष्ट्रगान गवाना चाह रही, शर्म आनी चाहिए ऐसी लोगों को। अगर आपको देश के संविधान का कहीं भी ख्याल नहीं है तो आप कैसे देश के नागरिक अपने आप को घोषित करते हैं? वहां पर तो नहीं कभी आई चीजें किसी में आप लेट नहीं होंगे, वहां पर तो हम देश के सबसे पहले नागरिक हैं, कोई लाभ पाना है, अन्य चीजों में हम देश के नागरिक नहीं है। जब कर्तव्य की बात आती है तो व्यक्ति पीछे हटता है, ये समाज का वसूल है भाई। यहां पर अन्य चीजों देख लो, सबसे पहली चीज संविधान को जब जिन्होंने बनाया, मौलिक कर्तव्य जब बाद में आया तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहा कि जो मौलिक कर्तव्य है इनके उल्लंघन करने के खिलाफ कोई दंडित विधान नहीं है। मतलब आप राष्ट्रगान का अगर फॉलो नहीं करते हैं तो जब संविधान स्वयं से कह रहा कि आपको कोई दंडित विधान नहीं है आप पर, ठीक, तो नहीं किया जाएगा। यद्यपि संसद उनके समुचित क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है, संसद जैसा चाहे वैसा कर सकती है, एक विधि बनाकर, क्योंकि संसद को विधि बनाने का अधिकार है। अगली चीज, ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं क्रियाओं से संबंधित हैं। जो मौलिक कर्तव्य आपके हैं, सारे मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, ना कि विदेशियों के लिए, ध्यान रखना, ठीक है, नागरिकों के लिए। अब भाई राष्ट्रगान, हालांकि विदेशी, हर एक विदेशी दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं, जितनी चीजें यहां बताई गई वो सब कुछ लागू हो उन पर भी। अगली चीज, कुछ कर्तव्य नैतिक है, ठीक है, तो कुछ नागरिक है, नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्य है, कुछ हमारे नैतिक कर्तव्य है, समाज में स्त्रियों के प्रति जो है उन भेदभाव, उन रूढ़वादियों को तोड़ना, ये हमारे नैतिक जिम्मेदारियां हैं। नागरिक के तौर पर राष्ट्रगान का सम्मान, ठीक, वो हमारे नागरिक होने की जिम्मेदारी है। अगली चीज, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान नागरिक कर्तव्य है, ठीक है। अगली चीज, मूल कर्तव्य की आलोचना अगर मैं करूं या आपसे बोला जाए तो किन किन मामलों में करोगे, ठीक, किस लिए आपको मौलिक कर्तव्य अच्छे नहीं लगते। पहली चीज, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना होने के कारण नैतिक उद्देश्य मात्र साबित हुआ। हमने कह दिया आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, कोई करता है? कोई नहीं, ठीक। व्यक्ति जा रहे, राष्ट्रीय झंडा फहर रहा, कोई अस्तित्व तो ही नहीं है। व्यक्ति जा रहे, राष्ट्रीय झंडा फहराया जा रहा, उनके लिए मतलब नहीं है, उन्हें तो बस अपनी चीजें चाहिए। अगली चीज आती है, कुछ कर्तव्य अस्पष्ट तथा बहुअर्थी है एवं आम लोगों को समझने में कठिन है, ऐसे कर्तव्य तो जाहिर सी बात है जो ऐसे होंगे उनमें तो दिक्कत होगी ही। अगली चीज है, कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अन्य कर्तव्य हैं जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि शामिल किए ही नहीं गए। भाई परिवार नियोजन भी तो हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन इन सब चीजों पर कुछ नहीं। इसमें राष्ट्रगान जो हमारा है, राष्ट्रगान में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है सिंध, इस पर विवाद रहा, इस पर एक याचिका पड़ी थी, जान लो कौन, एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीट जिनका नाम है संजीव भटनागर, इनकी याचिका आई थी और इन्होंने याचिका में तर्क दिया कि जब सिंध पाकिस्तान का हिस्सा हो गया तो हम अपने राष्ट्रगान में, ठीक है, इस शब्द को हटा देना चाहिए हमें अपने राष्ट्रगान से, ठीक। उनका कहना था कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन होने पर दुनिया के कई देशों ने अपने राष्ट्रगान में परिवर्तन कर नए राष्ट्रगान अपनाए। सोवियत संघ का राष्ट्रगान इसका ज्वलंत उदाहरण है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस जनहित याचिका को खारिज करते हुए वादी को केंद्र सरकार से संपर्क करने को कहा, जिसमें बाद में गृह मंत्रालय ने संजीव भटनागर को भेजे गए पत्र में बताया कि आधुनिक भारत के निर्माण में सिंधी समुदाय के योगदान को देखते हुए सिंध शब्द को राष्ट्रगान से निकालना उचित नहीं है, ठीक है। राष्ट्रगान के किसी भी शब्द में बदलाव के प्रयास के बाद इसमें विभिन्न धर्म, संस्कृत अथवा ऐसे अन्य हितों के आधार पर नए शब्दों के शामिल करने तथा कुछ को इससे निकालने की मांग उठ सकती है, इसलिए ऐसा नहीं किया गया, ठीक है, सिंध शब्द को हटाने पर। दूसरी बात आती है, जो झंडा फहराने का विवाद रहा और नवीन ध्वज संहिता, ये नवीन ध्वज संहिता पर सवाल पूछा है, पूछता ही है, ठीक, इनको जान लो। झंडा संबंधी विवाद क्या रहा, देखो भैया, जो पुरानी अपनी ध्वज संहिता थी, जो फ्लैग कोड था, ठीक, झंडा फहराने का कोड जो एक नियम बना था, जिसमें प्राचीन कालीन प्रावधानों की एक लंबी सूची थी, इसमें झंडा फहराने का अधिकार कुछ ही व्यक्तियों का विशेषाधिकार था, ठीक, सभी को झंडा फहराने का अधिकार नहीं था, जैसे आज हम लोग अपनी ऑफिस में फहरा लेते हैं, ठीक, अपने घर की छतों पर फहरा लेते, पहले ऐसा नहीं था। 2002 की बात है, जिंदल समूह के उपाध्यक्ष नवीन जिंदल ने झंडा फहराने के अपने अधिकार पर
प्रतिबंध को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी, PIL 2002 में डाली। ठीक, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की तिरंगा फहराना मौलिक अधिकार है तथा इसके बाद ध्वज संहिता के उदारीकरण के प्रश्नों के परिरक्षण हेतु समिति गठित करने के सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा के पश्चात जो है गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने समिति गठित की। समिति की अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तिरंगा फहराने से संबंधित अनावश्यक कठोर नियमों में छूट देने का निर्णय लिया। अब जब छूट मिल गई तो नए जो है झंडा फहराने से संबंधित कोड बने। नवीन ध्वज संहिता क्या कहती है इसको जान लो, कोई भी व्यक्ति केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही झंडा फहरा सकता है। झंडे की चौड़ाई व लंबाई, लंबाई चौड़ाई नहीं, चौड़ाई व लंबाई दो तीन, जब लंबाई चौड़ाई पूछेगा तो पलट देना, यह मत कहना गलत है। इसे जो है वस्त्र, गद्दे या नैपकिन पर प्रिंट नहीं करना चाहिए। झंडा पता चला वस्त्र पर प्रिंट कर लिए, वो अपमान है राष्ट्रीय झंडे का। ठीक है, अगली चीज, अंत्येष्टि के कफन के रूप में इसका प्रयोग ना करें। वाहनों पर झंडा ना लपेटें, लपेटना नहीं है, फहरा सकते हो, ठीक है, लपेटा नहीं जाता है। इसका ऊपरी भाग नीचे अर्थात उल्टा करके नहीं फहराना होता व इसे जमीन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र व अन्य देशों के झंडे को छोड़कर इसे सभी झंडों से ऊपर फहराना चाहिए। क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराना चाहिए। संशोधित संहिता 26 जनवरी 2003 से लागू की गई है, ध्यान रखना। नवीन जो झंडा आपकी ये कोड आया, झंडा फहराने से संबंधित जो आपकी संहिता बनाई गई, ये 26 जनवरी 2003 को लागू की गई, जिसमें हमें आप सभी को झंडा फहराने की अनुमति मिली है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित सारे मुद्दों पर हमने चर्चा कर लिया है। इतने सारे आयाम हैं जिन पर जो है अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो बढ़िया बढ़िया जो है सारी चीजों को बताते हुए निकल जाइए कि कैसा आपको समझ में आया, कमेंट में दो चार बातें जरूर कहिएगा। तो फिर मिलते हैं आगे, तब तक मस्त होकर पढ़िए। धन्यवाद।